हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो तुम्हें पता ही होगा, बैंगलोर में वीकेंड्स में सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लान बन ही जाता है। उसी तरह हमारा भी प्लान बन गया था वंडरला जाने का विथ आवर फ्रेंड्स। तो अपन लोग ऑटो से निकल चुके थे मेरे एक फ्रेंड के घर, जहां पर हम लोग सबको मिल के एक कैब करने वाले थे एंड उस कैब में एक संग जाने वाले थे वंडरला। तो अपन लोग 6 लोग जा रहे थे एंड कैब में यार अराउंड 1.5 आवर लगने वाला था। तो इसी तरह हम लोग निकल पड़े थे। यार टोटल 40-45 किलोमीटर्स का जर्नी था एंड पूरा हाईवे था, तो मजा ही आया जाने में। फाइनली हम लोग वंडरला पहुंच गए थे। टिकट्स हम लोग ऑनलाइन करवा ही चुके थे, तो यहाँ जाके हमें लॉकर्स लेना था जिसमें हम लोग अपना ड्रेस चेंज करने वाले थे। तो तुम्हें पता ही होगा वंडरला में ड्राई पार्क भी है एंड वाटर पार्क भी है, तो हम लोग पहले वाटर पार्क जाने वाले थे, उसके बाद हम लोग ड्राई पार्क में जाते हैं। तो आफ्टर चेंजिंग आवर क्लोथ्स हम लोग निकल पड़े थे वाटर पार्क की तरफ। यहाँ पर यार बहुत सारे राइड्स थे, छोटे छोटे राइड्स भी थे, बड़े बड़े राइड्स भी थे। तो अपन लोग पहले छोटे वाले राइड्स में थोड़ा बहुत पहले पानी से थोड़ा भीग वगैरह गए एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े वेव पूल की तरफ, जहाँ पर यार जो तुम्हें दिख रहा होगा इसमें बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है। तो इसमें भी हमने थोड़ा एंजॉय किया एंड यहाँ भी बहुत मजा आया। अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी थे, तुम लोग वहां पर कुछ खा पी भी सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो। एंड फाइनली हम लोग निकल पड़े थे कुछ बड़े बड़े राइड्स करने के लिए, बट उससे पहले हमने क्या किया ये देखो। यहाँ पर डांस फ्लोर भी था जहां पर सब कोई डांस कर रहे थे और ऊपर से पानी भी गिर रहा था, भीग भी रहे थे और डांस भी कर रहे थे। उसके बाद निकल गए थे बड़े बड़े राइड्स करने के लिए, तो चलो मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। सबसे पहले हमने किया ड्रॉप लूप एंड फनल, जो कि सबसे डेंजर था, मतलब उसमें एक तरफ से फ्री फॉल ही हो गया था ड्रॉप लूप में। उसके बाद यहाँ पर ये गोल वाला भी था, उसमें भी हमने करा एंड ये सारे करने के बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वाले में चले गए थे। यहाँ पर सबके ट्यूब में बैठ के थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। उसके बाद हमने ये स्लाइड वाला भी करा, जिसमें यार 3 स्लाइड्स थे लाइक 3 लेवल्स पे एंड ये भी थोड़ा डेंजर था, बट ये भी बहुत वर्थ इट था। इसके बाद जो राइड्स थे वो सबसे डेंजर थे यार, वो वर्टिकल फॉल था, मतलब यार इतना डेंजर था। तो मेरी फट चुकी थी, तो मैं और चैलेंज तो नहीं किए, बट मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे उन्होंने ट्राई किया। तुम तो देख ही सकते हो यार ये पूरा वर्टिकल था एंड लाइक बहुत ही डेंजर था। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थी उन्हें बहुत ही मजा आया इसमें। इसके बाद यार वाटर राइड्स ऑलमोस्ट हमने कर लिया था एंड बच गए थे 4-4:30, तो हमें ड्राई पार्क भी करना था, तो इसलिए हम लोग खाना पीना थोड़ा बहुत खा पी के हम लोग निकल पड़े थे ड्राई पार्क की तरफ। सबसे पहले हम लोग गए रोलर कोस्टर की तरफ, जो कि सबसे डेंजर देखने में था और वो पूरा वर्थ इट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग गए और भी बहुत सारे राइड्स में, जैसे कि वेव राइडर था, जो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। इसके बाद हम लोग गए ड्रॉप में, तुम लोग देख ही सकते हो यार ये कितना ऊपर जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही ऊपर जा रहा था। मैं पहले कोलकाता में भी कर चुका हूँ ड्रॉप, बट यार ये जो था ये बहुत ही ऊपर जा रहा था और इसमें तो यार ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि फ्री फॉल ही हो रहा है, तो यार ये भी बहुत ही वर्थ इट एक्सपीरियंस था। तुम जो नेक्स्ट राइड देख सकते हो यार, ये थोड़ा छोटा था बट वर्थ इट एक्सपीरियंस था। मुझे सबसे मजा इसी में आया, क्योंकि इसमें यार गाना भी बज रहा था एंड बहुत ही स्पीड में ये तुम्हें पूरा गोल गोल घुमा रहा था, इसमें भी लाइक ऑलमोस्ट फ्री फॉल लग ही रहा था। नेक्स्ट हम लोग गए थे यार पेंडुलम की तरफ, तो यार ये पेंडुलम ऑलमोस्ट लाइक तुम लोग मेला वगैरह में देखे हो गए इस तरह का रहता है, ये उसी तरह का एक्सपीरियंस था बट एक पेंडुलम फॉर्मेट में था। नेक्स्ट हम निकल चुके थे स्ट्राइकिंग कार की तरफ, जहां पर हमने एक दूसरे के संग बहुत ही कॉम्पिटिशन करा, एक दूसरे को बहुत ही हमने धक्का दिया, मजा आया। वहां भी और भी डेंजरस राइड्स थे जो हमने नहीं करा, बट मेरा एक दो फ्रेंड थे उन्होंने करा वो सब, क्योंकि उन्हें ज़्यादा डर नहीं लगता है।
उसके बाद यार लास्ट में अपन लोग गए फिर से पेंडुलम की तरफ, बिकॉज शाम के समय यार मौसम बहुत ही मस्त हो गया था। और जब हम लोग पेंडुलम से ऊपर की तरफ जा रहे थे, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी यार, वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा था। फाइनली यार हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सब कुछ घूमने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग ने डिनर करा, उसके बाद यार वापस आने के लिए हमें दिखा कि और मेट्रो का भी एक रूट है, तो हम लोग यार मेट्रो पकड़ के वापस अपने अपने घर की तरफ आ गए थे। तो दिस वॉज एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई थिंक तुम्हें आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो सही में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक मार देना। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।